और जी अब जरा देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को। ये जो है अभी जो हमने बात की थोड़ी देर पहले कि हमारे पास हम सब कुछ मैन्युअली कर रहे थे, कॉस्ट फाइंड कर रहे थे और हाइपोथेसिस के पैरामीटर्स उसकी बेस पे खुद अपडेट कर रहे थे कि अब जो है थीटा नॉट को ये कर दो, थीटा वन को ये कर दो। लेकिन इससे बचने के लिए कि हम कहते हैं कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाए और खुद ही हो, तो उसके लिए हम चाहते हैं, ये एक बड़ा मशहूर एल्गोरिदम है हमारे पास, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज होता है फॉर लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें क्या होता है आपके पास कि ग्रेडियंट डिसेंट की पहले तो वो देख लें कि हमारे पास इसकी जो है डेफिनेशन क्या है। तो ग्रेडियंट डिसेंट इज अ वेरी जेनेरिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम कैपेबल ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। द जनरल आइडिया ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट इज टू ट्वीक पैरामीटर्स आइटरेटिवली इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है जी, ये आइटरेटिव आइटरेशंस होती हैं मुख्तलिफ, हमारे पास कोड बार बार चल रहा होता है, कुछ स्टेप्स कर रहा होता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि हमारा जो प्रोसेस था वो आइटरेटिव था। हम पैरामीटर्स की वैल्यू को कुछ रख लेते थे, फिर कॉस्ट को देख लेते थे, कॉस्ट कम हो रहा है, वेरी गुड, देखते जा रहे थे। कॉस्ट एक जगह पे रुक गया, उसमें बहुत कम चेंजेस आ रही, या फिर बढ़ना अगर शुरू हो गया तो हम कहते हैं कि जो पहले वैल्यू थी, जो जहां पे वो बिल्कुल मिनिमाइज हो रहा है, यही इस टाइम हमारे पास थीटा नॉट और थीटा वन क्या है, ये पैरामीटर्स क्या है, इसकी बेस पे हम बस वहां रुक जाते थे। और जो ये वैल्यूज होती थी उसको हम हाइपोथेसिस की इक्वेशन में इंसर्ट कर लेते थे और कह देते थे कि ये हमारे पास फाइनल एक इक्वेशन आ गई है, या ये हमारे पास मॉडल है हमारा। ठीक है जी, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट में अब हमने क्या करना है, आइटरेटिव प्रोसेस करना है, और हमारा मकसद ये होगा कि हमने थीटा नॉट की वैल्यू वहां पे रुकना है जब जे जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा नॉट कॉमा थीटा वन, उसमें जब ये मिनिमाइज हो जाएगा, दिस इज अवर गोल, और इसमें हम क्या करें, जब ये हो जाएगा तो वहां पे जो थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू है दैट विल बी अवर ऑप्टिमम वैल्यूज। ठीक है जी, ऑलराइट, सो द आउटलाइन इज स्टार्ट विद सम वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट थीटा वन। इनिशियली हमें कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर को देना पड़ेगा, तो हम इनिशियली कोई ना कोई वैल्यू रख लेंगे, और उसके बाद कीप चेंजिंग थीटा नॉट थीटा वन टू रिड्यूस दिस कॉस्ट फंक्शन जे अंटिल वी होपफुली एंड अप एट द मिनिमम। सो समरी इज टू स्टार्ट बाय फिलिंग थीटा विद रैंडम वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड रैंडम इनिशियलाइजेशन। ये जो प्रोसेस हम जिसमें हम रैंडम वैल्यूज चूज कर लेते हैं फॉर फॉर थीटा नॉट थीटा वन या जितने भी पैरामीटर्स हैं, सो वी कॉल इट रैंडम इनिशियलाइजेशन, एंड देन यू इंप्रूव इट ग्रेजुअली टेकिंग वन बेबी स्टेप एट अ टाइम, ईच स्टेप अटेम्प्टिंग टू डिक्रीज द कॉस्ट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम स्क्वेयर एरर अंटिल द एल्गोरिदम कन्वर्जेस टू अ मिनिमम। ठीक है जी, अच्छा तो ये बेबी स्टेप से क्या मुराद है कि कॉस्ट की वैल्यू ये आपके पास स्लोली स्लोली कम हो रही है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अवर कन्वेक्स फंक्शन मीन स्क्वेयर एरर का, ठीक है जी, और हमने यहां पहुंचना है, तो हम ये नहीं करेंगे कि यहां से डायरेक्ट जो है हम छलांग लगा लें यहाँ पे, ऐसे नहीं हो सकता होता है। ऑब्वियसली जस्ट इमेजिन दैट यू आर ऑन द क्लिफ और उससे आपने जमीन पे जाना है, बिल्कुल प्लेन एरिया पे, तो आप क्या करेंगे, यू वॉन्ट जम्प डायरेक्टली फ्रॉम द क्लिफ, और आप क्या करेंगे, यू विल टेक स्मॉल स्टेप्स। ठीक है जी, अनलेस अंटिल जब आप यहां पे एंड अप हो जाए टू द मिनिमम। सो इन ग्रेडियंट डिसेंट वी डू द सेम, ठीक है, बट द ऑटोमेटेड प्रोसेस। अब अगर ग्रेडियंट डिसेंट को देखा जाए फॉर टाइम बीइंग, लेट्स अज्यूम के ग्रेडियंट डिसेंट की एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट ग्रेडियंट डिसेंट कंसीडरिंग आवर एमएसई, उसमें तो फिर एक ही ग्लोबल मिनिमा होगा ना, लेकिन यहां पे लेट्स अज्यूम के वी हैव सम लोकल मिनिमास। ठीक है जी, तो ग्रेडियंट डिसेंट का क्या काम होगा कि फॉर एग्जाम्पल यू आर इन दिस ऑन दिस पोजिशन, अब इसके करीब कौन सा मिनिमा है लोकल, तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और उस मिनिमम पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर समवेयर हेयर, देन इट इज नॉट वाइज टू कम हेयर, नहीं आ सकते यहाँ पे, बिकॉज देयर आर, आपको या ये पाथ लेना होगा या अगर इधर आ गए तो इधर फंस जाएंगे, आप कहेंगे कि मैं जो है मैं तो ऑलरेडी लोकल मिनिमा पे आ गया हूँ, शायद ये मिनिमा है, लेकिन द पाथ वुड बी इफ यू वांट टू रीच हियर, तो इस इधर आपको क्या, ठीक है जी,
या ये हो सकता है कि आप यहाँ पर अगर आपने रैंडमली थीटा नॉट थीटा वन चूज किया तो आप इधर फिर इस जगह से यू आएंगे. सो यू कैन टेक डिफरेंट स्टेप्स टू रीच हियर. मतलब वो ये एक जहां से स्टार्ट ले रहे हैं वहां से मिनिमम तक पहुंचने के लिए द स्टेप्स कुड बी डिफरेंट. ये नहीं हो सकता कि हर बार इसी पोजिशन से आएंगे. यू कैन कम फ्रॉम सम अदर पॉइंट एज वेल. It will depend on what you choose initially as your parameters. ठीक है जी, तो ये आप देख लें. अच्छा, तो अब हम gradient descent algorithms जो हैं, ये हमारे पास तीन types के हैं. So what are those? Number one, the batch gradient descent. Number two is called the stochastic gradient descent, and the last one is mini batch gradient descent. आपको एक आ गया पहला वाला, तो बाकी दो इज अ पीस ऑफ केक. ठीक है जी, वही इक्वेशंस होंगी, वही सारा कुछ होगा, बट द ओनली डिफरेंस वुड बी के आप जो ट्रेनिंग डेटा है उसको किस तरह यूज करते हैं, उसका फर्क होगा. इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है, और उसके यूसेज में कोई चेंज नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद बैच ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है जी, सो ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लीनियर रिग्रेशन. सो वी विल स्टार्ट विद बैच ग्रेडियंट डिसेंट. अच्छा जी, अभी तक जो हमने पढ़ा उसी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूं और उसके बाद जो है हम उस पे ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई करते हैं. डेरिवेशन जब हम यूज करते हैं, किसी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं, खैर आपने भी डेरिवेटिव पढ़े देखे उसमें ना, तो उसका क्या काम होता है, आपके जहन में क्या आ रहा था कि क्या कर रहा है इक्वेशन के साथ? आपने कहा कुछ रिसर्च पेपर्स में देखी, उसमें काफी डेरिवेशंस थी. डेरिवेशंस वो डेरिवेटिव्स की बात करी थी कि इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए. अच्छा चलो चलो, एनीवे, सो जो आपके पास डेरिवेशंस पार्शियल डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? एनी आइडिया? मैथमेटिकली कैलकुलस क्या कहता है? बहुत पुरानी बात हो गई है लेकिन स्टिल, स्लोप निकालना. ये बात, स्लोप को देखना कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है जी, दूसरा के स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है. अगर आप ये एक आपके पास कॉस्ट फंक्शन है आपका, ठीक है जी, उसकी शक्ल ऐसी ही बनती है. हम अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हैं, तो अगर मैं इस पोजीशन पे डेरिवेटिव फाइंड करूं तो क्या होगा, वो मुझे बताएगा कि वो इसकी डायरेक्शन ये है ना, यहाँ यू बढ़ रहा है थीटा की वैल्यू, अगर आपने देखी यू बढ़ रही है ना. सो अगर हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में इसमें जाना है, डायरेक्शन ये होगी स्लोप की, और दूसरा है कि इसको कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि इसमें नेक्स्ट स्लोप कितना है इसमें. ठीक है जी, उसकी कोई वैल्यू होगी. सो बट वी आर इंटरेस्टेड इन कि किस डायरेक्शन में है. तो अगर हम यहां से देखें यहां तक, तो ये जो है ये आपके पास स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ऐसा. ठीक है जी, और अगर हम यू अगर यहां पे कहीं पे है, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे, सो स्लोप इज गोइंग अपवर्ड्स, तो हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग. ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की है, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम यहां पे हैं और हम स्लोप को, स्लोप और इसकी मैग्नीट्यूड को कुछ, इसको कुछ स्लोप यूं है, हमें स्लोप का आइडिया है, पहले हम यहां थे फिर इधर आ गए, हम जो जो इसकी डायरेक्शन है स्लोप पे उसी पे जाएं और हम देखें अब स्लोप इधर कहाँ है, फिर यूं है, फिर यूं आ जाए. ठीक है जी, फिर इधर आ गए, अब स्लोप किस तरफ है, फिर इधर आ गए, अब स्लोप किस तरफ है, इधर आ गए, अब स्लोप किस तरफ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लोप के बाद आप इसको जंप किया, इधर आ गए, अब स्लोप देखा, अब तो स्लोप बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि पिछला मैं जो मेरा जो स्टेप था वो स्लोप की तकरीबन मैं बॉटम पे आ गया हूं. तो ये हमारी क्या हेल्प कर रहा है, स्लोप जो है, इसका मतलब है कि हम कोई डेरिवेटिव इसका यूज करेंगे जिससे हमें स्लोप का पता लगेगा, और ये हमारी क्या हेल्प कर रहा है, ये वो हमें मिनिमा तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है. तो अब हमारे पास, हम मिनिमा पे जब आ जाएंगे तो इस टाइम हम देख लेंगे कि थीटा नॉट और थीटा वन की क्या वैल्यूज थी, और वही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. और इसको जो है मैन्युअली हमें नहीं करना, डेरिवेटिव हमारे पास होंगे तो हमारे जहन में क्या चल रहा है, वो ये चल रहा है
स्लोप फाइंड करो, इसको जंप दो, स्लोप फाइंड करो, इसको जंप दो। जंप कैसे दिया जाएगा? जंप दिया जाएगा कि आप कॉस्ट की इस पोजीशन पर थे, ठीक है जी, और आपने ये इधर हमारे पास थीटा की वैल्यू होती है, थीटा कितना, ये एक्स एक्सिस पे थीटा है ना, अगले जंप पे थीटा की वैल्यू देखो कितना, इधर से मैंने इधर आना है, इधर से इधर आना है, तो मुझे इस थीटा से इस थीटा पे पहुंचना होगा इस वैल्यू पे। तो इधर से इधर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस पोजीशन पे जाने के लिए मुझे ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये थीटा की कोई भी वैल्यू है, थीटा जो भी है मेरे पास, थीटा अगर मैं यहां पे हूं, अभी मैं यहां पे हूं, इससे मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ वैल्यू इसके साथ ऐड करनी पड़ेगी, मैं प्लस इधर आ जाऊं, प्लस डेल्टा, ये चेंज जो है ना, कितना मुझे यहां पहुंचना है, तो इधर ये डेल्टा जो है यहां और यहां का डिफरेंस जो है चेंज इन थीटा होता है बेसिकली डेल थीटा। तो मुझे कुछ डेल थीटा जो है, थीटा नॉट, अगर मैं कहूं कि ये जो ये थीटा नॉट है, तो मुझे इसके साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा। इधर से इधर आने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी थीटा की वैल्यू ये थी, अब मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो डेल थीटा नॉट जो है मुझे इस केस में थीटा नॉट माइनस डेल थीटा नॉट करना पड़ेगा। करता जाऊंगा जब यहां पे पहुंच जाऊंगा कि कॉस्ट की वैल्यू जब मैं देखूं कि मिनिमम हो गई है, तो मैं जो है इस डेल थीटा नॉट, अब मैं इस पोजिशन पे आया, फिर मुझे इधर डेल थीटा नॉट माइनस करना पड़ेगा, इधर आ जाऊंगा, फिर इधर आ जाऊंगा, फिर इधर आ जाऊंगा, इस पोजिशन पे मैं देख लूंगा कि थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, किस पोजीशन पे मैं पहुंचा हूं, तो वो उस टाइम जो थीटा नॉट की मेरी वैल्यू होगी वो मेरी इस इक्वेशन में आ जाएगी। I'll do the same for theta one as well. अब इसको किया कैसे जाए? Now the question is, basically हम डेरिवेटिव किस चीज का कर रहे हैं, स्लोप किस चीज का फाइंड कर रहे हैं, कॉस्ट का फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है जी। तो अगर अभी हम अपनी कॉस्ट की इक्वेशन पे दोबारा जाए, कॉस्ट की इक्वेशन पे दोबारा जाए, कॉस्ट की इक्वेशन हमारे पास थी j थीटा ऑफ x, j x ऑफ या x आने दीजिए थीटा नॉट कॉमा थीटा वन, ठीक है, ये थी। और इसमें हमारे पास था 1 ओवर 2m समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m, और इधर था हमारे पास h ऑफ थीटा x माइनस वाई, इधर आई और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारे पास। नाउ व्हाट आई से दैट आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है जी। अब कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसने मुझे स्लोप बताना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा डी बाई डी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या था, थीटा था, ठीक है जी। तो विद रिस्पेक्ट मैं इधर लगा लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ, ठीक है जी। इधर भी मैं कर लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, अगर हमें नहीं पता कि थीटा नॉट है थीटा वन, लेट्स कॉल इट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट थीटा वन, दोनों है इसमें, ठीक है, थीटा जे। और मैं इसको यूं कर लेता हूँ, इफ आई डू इट लाइक दिस, तो ये इसको सॉल्व करता हूँ 1/2m, और इसको मैं फर्दर देख लेता हूँ कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू m d by d of theta j is equal और किस चीज का, इसका h of theta x i minus y i whole square, ठीक है जी। तो ये मुझे जो है एक्चुअली मैं स्लोप फाइंड करूं कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा स्लोप होगा। अच्छा अभी लेट्स से कि j is equal to 0, और j is equal to 0 जब मेरे पास j की वैल्यू क्या हो, वो 0 के इक्वल हो, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि आई एम डेरिवेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, नाउ इसका मतलब ये हुआ ना, j को रिप्लेस कर दे 0 से, सो दिस इक्वेशन विल बिकम समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m, अब ये d हो जाएगा d बाय d थीटा ऑफ 0, ठीक है जी, एंड दिस विल बी h ऑफ थीटा x i माइनस y i होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको जरा ओपन कर लेते हैं कि हमें डेरिवेशन में आसानी, ठीक है, तो ये किस चीज के बराबर है, मैं इसके ऊपर ही लिख लेता हूँ कि ये जो है दिस टर्म इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन
एक्स आई सॉरी, ठीक है जी, माइनस वाई आई हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर इसको जरा सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि दिस विल बिकम 1 ओवर 2 एम समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एम। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास, हमें पता है कि हमें जो डेरिवेशन के हमने रूल्स पढ़े, चेन रूल एक होता था हमारे पास, ठीक है जी, तो उसमें हमारे पास दिस इक्वेशन विल बिकम, ये 2 पहले आ जाएगा 2, और ये इसी तरह आ जाएगा थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स आई माइनस वाई आई, और इधर हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है जी, तो ये रह जाएगा 1, तो नहीं लिखता मैं ऊपर 1, ठीक है। अब इसका हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फिर डेरिवेटिव लो इसके अंदर जो है उसका, ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास, अगर हम इसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट लें इसका, सो दिस टर्म विल बिकम 1 एंड द रेस्ट, क्योंकि इसमें थीटा नॉट नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास इधर आ जाएगा 1। सो दिस इज माई फाइनल इक्वेशन, बल्कि फाइनल को और भी मजीद बेहतर बना देते हैं, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये 2 इधर हटा देते हैं, ये 2 हटा देते हैं, सो दिस इज माई इक्वेशन वेन फॉर द थीटा नॉट, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जब j हो जाता है 1 तो फिर क्या होगा, ठीक है जी, अब मुझे ये डेरिवेट करना पड़ेगा, इधर ही कर लेता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं, तो मुझे बार बार ना लिखना पड़े, सारा ही मिटा दिए तो फायदा क्या होगा। विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर करना है, ठीक है, सो दिस इक्वेशन विल बिकम 1/2m d ऑफ d बाई d थीटा 1, और ये इक्वेशन हो जाएगी थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको मैं देखूं इस इक्वेशन को, सो दिस विल बिकम 1/2m, और उसी तरह हमारे पास समेशन आ गया i इज इक्वल टू 1 टू m, 2 बाहर आ गया, और ये एक बार आपने देख लिया थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स आई माइनस वाई आई इंटू, अब इधर माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू इसको देखें, इसमें थीटा 1 का टर्म नहीं है, सो दिस विल बिकम 0, इधर थीटा 1 का टर्म है, तो सिर्फ ये रह जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स आई, इसमें भी थीटा का नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, सो मेरे पास व्हेन जे इज इक्वल टू 1, सो दिस इज माय इक्वेशन, फर्क दोनों इक्वेशन में सिर्फ इस एक्स आई का, 0 वाले के साथ नहीं है, इसके साथ है, ठीक है जी। अब जो है इसको जरा और खूबसूरती से लिखते हैं कि हमें अपनी चीजों जो हम लिख रहे हैं उसकी समझ भी आए, तो ये वाला टर्म जो है इसको लिखते हैं दोबारा h थीटा ऑफ x i, क्या ये है या नहीं है ना, इसको भी इसी तरह करते हैं, और इसका ये 2 कैंसिल कर देना चाहिए, एच थीटा एक्स आई। सो नाउ आई नो If I take the derivative of the cost function, so जब मेरे पास j की value 0 हो, so I'll get an equation something like this, ठीक है जी, इस पे square वगैरह नहीं होगा, exactly इससे पहले वाली cost की equation है, m के साथ 2 नहीं होगा, और यहाँ पे आपके पास square नहीं होगा, जब 1 होगा तो 2 m के साथ 2 नहीं होगा, और दूसरा मेरे पास क्या नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे एक्स आई होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया, इसने मुझे डेरिवेशन ने मुझे बता दिया कि स्लोप क्या है और कुछ मैग्नीट्यूड भी दे दिया, ठीक है, कुछ इससे वैल्यू आ गई ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें, हमने कहा जब स्लोप आप इस तरफ थे, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऐसे मैंने ये लिखा है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ऑफ लाइन टेंजेंट टू द फंक्शन, ठीक है, ये इस तरह फाइंड किया जाता है, स्लोप की क्या डायरेक्शन और टेंजेंट लाइन को देखा जाता है। अच्छा, अब हमने कहा कि व्हेन द स्लोप इज नेगेटिव, तो हमें क्या होना है, हमने यहां से इस तरफ आना है, ठीक है जी, तो स्लोप इज नेगेटिव का मतलब ये है कि इससे जो मुझे आंसर मिलना है डेरिवेशन से, इसकी वैल्यू आनी है नेगेटिव में, ऐसा ही है, समझ आ रही ना बात,
इसकी कोई नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो नेगेटिव होगा, जो भी इसकी वैल्यू है। अब इसकी कोई वैल्यू आएगी उसके साथ साइन बताएगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो स्लोप इज नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब अगर मैं ये करता हूं कि मैं फॉर एग्जाम्पल इसको ड्रॉ करता हूं, मैं यहां पे था जिसके एसोसिएटेड थीटा की वैल्यू ये थी, मैंने इधर जाना है, मैंने इधर से इधर जाने के लिए इस डेल को क्या करना है, ऐड करना है ना थीटा की जो भी वैल्यू है प्लस दिस डेल थीटा, तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा। अब इधर पहुंचने के लिए अगर मुझे ऐड करना है, लेकिन स्लोप तो मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, तो अगर मैं इधर कोई थीटा की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 3 है, मैंने 5 पे जाना है, तो अगर इसके साथ मैं नेगेटिव वैल्यू को ऐड करता हूँ माइनस फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन ये 2 है, मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये तो मैं 1 पे पहुंच गया। अब मुझे क्या करना होगा, सो आई क्लियरली सी कि माय इक्वेशन शुड लुक लाइक दैट आई हैव टू कीप दिस साइन एज नेगेटिव। तो फिर अगर नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाला स्लोप आएगा तो मैं क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 माइनस माइनस 2, तो अब मैं 5 पे पहुंच गया। और अगर मैं इधर होऊंगा तो मेरे पास ये थीटा की वैल्यू है और मैंने इस तरफ जाना है, लेट्स अज्यूम कि दिस वैल्यू इज 7 और मुझे अब 5 पे जाना है, तो 7 माइनस इसका जो स्लोप होगा वो क्या है आपके पास, वो यूं जा रहा है स्लोप इसका, ठीक है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इससे 2 पॉजिटिव आया, 2 वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वो आया, आपने क्या किया 7 माइनस 2 तो 5 पे आप पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अगर थीटा को अपडेट करना है, अगर मैंने थीटा को अपडेट करना है, अपडेट का साइन होता है इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू नहीं है, अपडेट है, ठीक है, अपडेट आपने देखा हुआ है ना उसमें प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं। ऑलराइट, तो अब इसमें अपडेट की हम बात कर रहे थे। अपडेट जो होता है ना, आपने देखा होगा अगर आप C++ की प्रोग्रामिंग या किसी और लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास होता है a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल a प्लस 1, अगर C++ ले लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये होता है, और इधर हम लिख देते हैं कि a इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये होता है कि 3 इधर इंसर्ट करो और फिर वैल्यू को अपडेट करो, तो ये हमारे पास हो जाता है कि a इज इक्वल टू 3 प्लस 1 और आंसर जो है 4 आ जाता है, उसको दोबारा ओवरराइट कर देता है a को और उसमें वैल्यू पुट कर देता है इधर, ठीक है जी, समझ आ रही है बात क्या? तो हमें क्या करना होगा, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने कोई सा भी थीटा अपडेट करना है, ठीक है जी, उसके लिए हमें क्या करना है, वो थीटा, और इधर से हमें पता लग गया कि हमने साइन क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस द डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव ले देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जे हमें नहीं पता कि कौन सा है थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा जे ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, समझ आइए बात की, इसको मैं थीटा नॉट कॉमा थीटा मान लेता हूं, क्लियर, इस बात की समझ आ गई। अच्छा, अब इधर ये जगह मैंने जानबूझ के खाली छोड़ी, इसकी एक रीजन है। अब अगर हम वो स्लोप पे दोबारा आ जाते हैं, ये जो स्लोप, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पहले यहां पे थे और अब हम यहां पे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भी हमें मैग्नीट्यूड काफी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है जी, शायद उतना ही मिलता है, फिर हम इतना जंप हमने लगाया था, फिर इतना जंप इधर, फिर अगली बार जो हमने जंप लगाया हम इधर मिनिमा क्रॉस हो गया, अब मिनिमा क्रॉस हो गया हम वापस जाना चाहेंगे तो फिर इसी तरह का जंप, फिर इधर 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 होते जाएंगे, वो मिनिमम पे नहीं पहुंचता, समझ आई बात, बिकॉज हम इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के जंप्स लगा रहे हैं, ठीक, इधर मैं मैडम इसको समझा देता हूँ उस पर।
देखिए हम थे, ये हमारे पास एक यही प्लॉट है, प्लॉट ग्राफिकली चीज देख लेते हैं इसको। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, दिस इज सम थीटा। हम यहां पे है इस पोजीशन पे, टेंजेंट हमने फाइंड किया, डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन कर रहे हैं हम। तो डेरिवेटिव हमें ये बता रहा है कि हमारे पास स्लोप किस तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन अभी हमने देखी वो थी कि थीटा नॉट या थीटा जे डॉट डॉट इज इक्वल टू थीटा जे माइनस डी बाय डी ऑफ थीटा जे ऑफ दैट कॉस्ट फंक्शन थीटा नॉट कॉमा थीटा। अच्छा, अब जो है हम क्या कह रहे हैं कि ये डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं कॉस्ट का। तो क्या हुआ, इसने हमें एक तो स्लोप बता दिया और दूसरा हमें क्या बताया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है जी, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है वन के साथ उसका आंसर। तो हम यहाँ पे थे और अब हम यहाँ पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल जब हमने क्या किया कि इसकी जो वैल्यू थी जो यहाँ से इसके स्लोप और वो मैग्नीट्यूड और उसको हमने माइनस किया इस वैल्यू से तो हम यहाँ पे आ गए, विच इन फैक्ट क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा तो हम इधर आ गए इसके अकॉर्डिंगली ये इस पोजिशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ कि ये इतना ही जंप इसने या इससे थोड़ा सा कम जंप इसने मारा यहाँ पे आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े जंप, क्योंकि वन मल्टीप्लाइड है तो इसकी वैल्यू जो है ना वो मैग्नीट्यूड और स्लोप उसके लिहाज से आपको कोई वैल्यू मिल रही है जो मतलब इक्वल तो नहीं है कि हो, लेकिन ये कि वो भी काफी बड़ी वैल्यू होगी, हर बार एक बड़ी अच्छी खासी बड़ी वैल्यू आ रही होगी। फिर इस पॉइंट पे जब आ गए तो जितना ये है मैग्नीट्यूड शायद इतना ही या इससे कम मैग्नीट्यूड का आप एक और जंप मारे, तो जब आप वो जंप मारेंगे तो वो वैल्यू कुछ इस पोजिशन पे आ जाएगी। इस पे आप क्या करेंगे, जब इस थीटा से इस थीटा पे आएंगे तो आप इधर पहुंच जाएंगे। अब इस पोजिशन पे कॉस्ट की वैल्यू ये थी, इधर इसका डेरिवेटिव अभी आपने लेना है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको जो है शायद के यहाँ पे पहुंचा दे दोबारा या यहाँ पे पहुंचा दे, तो आप यूं मूव करना शुरू कर देंगे ज़िगज़ैग। कभी आपका जो वो हम कहते हैं कि इसको कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है, सो कन्वेक्स फंक्शन है तो कन्वर्ज होना चाहिए इसको ग्लोबल मिनिमा पे, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं होगा, इनफैक्ट इट विल डाइवर्ज, इसको ओवरशूटिंग कहते हैं, ओवरशूट हो जाए, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है जी। इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना है, उसके बचाने के लिए व्हाट यू डू कि यू यूज अ कांस्टेंट कॉल्ड अल्फा, और अल्फा को आप कहते हैं लर्निंग रेट, ये आपका लर्निंग रेट है। अब लर्निंग रेट क्या कर रहा है, लर्निंग रेट अगर वन है तो फिर तो वही फंक्शन है फिर से पहले हमने बात की, लेकिन इसकी वैल्यू हम बहुत एक इनिशियली चूज करते हैं जब इसको हम वो करते हैं कोड करते हैं, और इसकी वैल्यू को यूजुअली हम एक बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं। आई अज्यूम यू रैंडमली चूज इट, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू स्टार्ट विद 0.02 यूजुअली, ठीक है, ये 0.01 इस तरह लोग चूज करते हैं, इट विल टोटली डिपेंड ऑन विच प्रॉब्लम यू आर वर्किंग ऑन। सो इनिशियली इसको चेक करें, इसको रखें कुछ और फिर देखें कि कैसे बिहेव कर रहा है आपका सिस्टम, ठीक है। तो हमने रखा 0.02 और फिर हमने देखा इसका बिहेवियर। अब होगा क्या, ये 0.02 करने से क्या फर्क पड़ता है, जरा अभी आप एनालिसिस करें। कॉस्ट की जो भी मैग्नीट्यूड वो आया, इसकी वैल्यू विद टाइम आपके पास कॉस्ट की वैल्यू कम हो रही है, कॉस्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट नीचे आया, आपने इसको जीरो पर बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.02 तो वो आपको एक छोटी वैल्यू दे देगा आप, और जब वो इससे माइनस होगा तो बहुत कम माइनस हो जाएगा। तो आप इधर थे अब इधर आ गए, फॉर एग्जांपल अब यहाँ नहीं आए, अगली बार अब यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू बहुत कम है कंपैरेटिवली, इससे कम है ना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो जंप होगा ये आपको जब ये माइनस होगा तो ये इससे भी छोटी वैल्यू है, पहले ये जो वैल्यू ये जो थी ना इधर से इधर आने के लिए, अब ये और छोटा जंप हो जाएगा, इसके बाद और छोटा जंप, और आप ये छोटे 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 जंप और छोटे छोटे होते जाएंगे और आप आखिर में बिल्कुल स्लोली यहां पहुंच जाएंगे। तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं, डिसेंट मींस को उसको कम करना या नीचे उतरना, जो हमने क्लिफ में बात की डिसेंट।
क्या चीज? नहीं, वो आप इस तरह करेंगे ना, इसका इसका तरीका कार ये है कि आपने इसको ऐसे जब इसको कोड करेंगे ना तो आप कहेंगे इसके मुख्तलिफ तरीके करने के। एक तरीका ये है कि योर थीटा वैल्यू ना कॉस्ट वैल्यू हियर माइनस द प्रीवियस वन, जब उसका डिफरेंस आप लिख दें कि 0.0001 हो जाए, यू स्टॉप देयर, बिकॉज इसका मतलब ये कि अब बहुत स्लो, अब तो चेंज नेग्लिजिबल है, पता नहीं मेरा कंप्यूटर को बैठ ही जाएगा अगर ओवर प्रोसेस करना है। जब चेंज इतना रह जाए, अब भाई रुक जाओ, अब मुझे बता दो थीटा नॉट और थीटा वन क्या है, जो अपडेटेड है वही मेरे वो हो गए। ठीक है जी, सो एक मिनट में जरा चार्जर लेके आया अगर आप इजाजत दें। ठीक है, एक मिनट में। अच्छा, क्या बात कह रहे थे? हाँ, अल्फा। तो अल्फा अब हमारी क्या हेल्प कर रहा है, ये उस लर्निंग के रेट को लर्न जो कर रहा है और आपका सिस्टम और उसको आपको जो मशीन जो आपको यहाँ पे लेके आ रहा है मिनिमा की तरफ, इसके रेट को कि मैंने कितने जंप्स लेने, किस तरह पहुंचना है ग्लोबल मिनिमा पे, उसको कंट्रोल कर रहा है। इस रेट से ये लर्न करेगा। इफ द वैल्यू इज वेरी हाई, इट इज गोइंग टू ओवरशूट। इफ द वैल्यू इज वेरी लो, इसकी वैल्यू बहुत कम रख दी आपने, तो फिर ऑब्वियसली इधर वो पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज वो इधर ये स्टेप ले लेगा, फिर छोटे छोटे छोटे, फिर पता नहीं कब यहां पहुंचेगा, यू नेवर नो। और वो एंड में, ये हमने कहा ना कि इसके स्टेप पहला बड़ा होता है, फिर छोटे छोटे होते जा रहे होते जाते हैं, तो एंड में तो बिल्कुल बात निग्लिजिबल हो जाएगी ना, तो स्टेप्स निग्लिजिबल होंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा, यू विल नेवर रीच द मिनिमा। ठीक है, सो अल्फा शुड बी वेरी वाइजली चोजन। सो एंड में लिखा हुआ है, इफ अल्फा इज टू स्मॉल, ग्रेडियंट डिसेंट कैन बी स्लो। ठीक है जी, अब इफ अल्फा इज टू लार्ज, ग्रेडियंट डिसेंट में ओवरशूट द मिनिमम, इट में फेल टू कन्वर्ज और इवन डाइवर्ज हो जाइए, पहुंचे ही ना कभी। ठीक है, सो इसके करने का तरीका किस तरह, इफ यू वांट टू कोड इट, तो उसको कैसे किया जा सकता है? इट इज वेरी सिंपल। रिमेंबर वन थिंग, हमने अभी ये जो किया, आपने इसको अपडेट करना है तो इस तरह नहीं करना कि आप डायरेक्ट इस तरह करते हैं जिस तरह हम C++ में करते हैं, a = a plus 1, नहीं आपने, क्योंकि इस लाइन में ये अपडेट हो जाता है, अगली लाइन में अगर मैं लिखूं b = a plus 3 तो ये अपडेटेड वैल्यू a होगी। सो आपने ये नहीं करना, आपने सबसे पहले करना है कि temp, एक कोई वेरिएबल चूज करना है टेम्पररी, लेट्स कॉल इट temp 0, और उसमें आपने वैल्यू पुट कर दे दी, temp 0 = this, लेट्स कॉल इट temp 0 थीटा 0 को अपडेट करें, थीटा 0 माइनस अल्फा रेट और फिर d by d of थीटा 0 और उसका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, और फिर आपने कर देना है temp 1, लेट्स कॉल इट temp 1, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, theta 1 minus alpha d by d of theta 1 j of theta 1, फिर अपडेट कर दो कि theta not is now updated as temp 0, theta 1 को अपडेट कर दो, temp 1 में जो वैल्यू पड़ी है वो theta 1 में ले जाओ। ठीक है, कहां पे किस चीज का ये बन कंपैरिजन करना, तो सिर्फ करंट का ही और प्रीवियस टाइम, करंट और प्रीवियस, एग्जैक्टली। इसके बाद जो कंपैरिजन करेंगे, जे की कंपैरिजन, कौन से कंपैरिजन कह रही है? वो इस ब्लॉक की कंपैरिजन की बात है, जो स्टेप्स करी हम कर रहे हैं ना। हाँ, वो नहीं, वो तो फॉर एग्जांपल ये है ना, इसको अगर आप ओपन करें ना, तो इस इसमें क्या हो रहा है कि अल्फा और इसका कॉस्ट जो इससे पहले हमने देखा, ठीक है, तो वो होगा अगर इस पे आते हैं, ये किस तरह नहीं है, ये बात है कि आपने ये कर दिया और फिर थीटा नॉट को अपडेट कर दिया, नहीं, क्योंकि फिर इस वाले में अगर हम देखें कॉस्ट में, देखें ना कॉस्ट में थीटा नॉट की वैल्यू यूज होती है, बिकॉज़ उसमें h ऑफ थीटा है, उसमें थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x यूज होता है, इसी उसमें थीटा नॉट है तो वेरिएबल अपडेट करेगा, हमें ये जो अपडेट करनी है ये करनी है बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यूज जो अभी आपने बात की, जो आपकी वैल्यूज है ये जब अपडेट हो जाए फिर आप इसको लेते हैं और दोनों में टेम्प से, ठीक है, जब आपने इसको इंप्लीमेंट करना है तो इस तरह करना है लेफ्ट वाला। अच्छा जी, ये जस्ट वही बात जो अभी हमने की कि ग्रेडियंट डिसेंट कैन कन्वर्ज टू अ लोकल मिनिमा विद इवन विद द लर्निंग रेट अल्फा फिक्स्ड, इसमें अल्फा को जिस तरह हमने कहा कि 0.02 रख लें मिसाल, तो ये हमने फिक्स्ड रख दिया,
कुछ केसेस में आप देखेंगे कि आप अल्फा रेट इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट इन द मिडल ऑफ द कोड कि भाई अभी इतना अल्फा ये था अब थोड़ा बढ़ा देते हैं कम कर देते हैं ठीक है जी। हाँ नहीं रेंज नहीं होती है वो आप पे आपका मिनिमम पे पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। नहीं पहुंच रहे हो तो फिर कोड फिर शुरू से चलाओ और अब 0.02 की बजाय उसको और कम कर दो क्योंकि उसका अगर ओवरशूट हो रहा है कम कर दो, अगर नहीं पहुंच पा रहा तो ज्यादा कर दो। ये आपको दो दो तरीके हैं इसके। तो अभी ये इस केस में यूजुअली इसको ऐसा होना चाहिए, देखें जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि लर्निंग रेट जो है ना वो स्टेप्स को देखें वो मिनिमम पे पहुंचा रहा है हमें, ठीक है जी। तो इस केस में आपके पास और ग्रेडियंट डिसेंट मैंने कहा ना कि पहला स्टेप बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और फिर स्टेप्स छोटे होते जाते हैं और एंड में बिल्कुल जो है ना कम हो जाता है। तो इसलिए इसको बड़ा वाइजली चूज करना है आपको। What should be the value of alpha? Now, if we look at this one, if the alpha is very small, तो फिर क्या होगा? It is never going to reach here. क्या हो रहा है कि छोटे steps वो ले रहा है और छोटे-छोटे होते जा रहे हैं और end में बिल्कुल है ना वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। कोई difference ही नहीं feel हो रहा। फिर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर overshoot problem है। ये तो मैंने कहा ना आप कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं बट इट शुड बी लेस देन 1 लेकिन ऑलवेज चूज इनिशियली चूज 0.0 मतलब तरीका ये है कि आप पहले चूज करें आगे आएगा भी होपफुली कि हर एक का अपना स्टाइल होता है इसको करने का ठीक है। सो एंड्रयू इंग ये बताते हैं कि मैं 0.01 चूज करता हूं फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं तो 0.03 हो जाता है फिर इसको मल्टीप्लाई कर इस पे भी नहीं चल रहा अच्छा फिर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाता है 0.09 एंड सो ऑन आई कीप ऑन इंक्रीजिंग इट या इसको आप 0.01001 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 3 करते जाएं एक बार इस पे कर भी अच्छा है नहीं है ठीक है अगला बढ़ा दो थोड़ा सा मल्टीप्लाई इसमें आइटरेशन नहीं इसमें आपको कोड रोक के दोबारा हाँ चेंज करना होगा क्योंकि आप इनिशियली चूज करते हैं मतलब इसमें कोई इस तरह नहीं है कि ये प्रोग्राम के दरमियान आप चूज नहीं करते हैं ठीक है तो अच्छा तो एनीवे so this is यहाँ तक क्लियर हो गया ठीक है जी। ये अभी मैं आपको करा चुका हूँ ये अगर आपको डेरिवेशन है ना वो देखनी है कि कैसे होती है हम बड़ा डिटेल में यहाँ किया है। सो दिस इज शोइंग अस कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू जब जीरो हो तो ये आंसर आता है जे इज वन प्लस को अगर डेरिवेट करे तो ये आंसर आता है ठीक है जी। एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन दिस आपके पास ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हुआ फॉर डिफरेंट लर्निंग रेट्स। सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द लर्निंग रेट इक्वल्स टू 0.02 तो इस केस में क्या हुआ If this was your trading data, जो आपने शुरू में देखा था अपना data, वो ये है और आप जो है इस शुरू में आप start आपने किया ये red line से, ठीक है? अब क्या हुआ? The alpha ये जो है ये पहुंच देखें पहला बड़ा step लिया, cost की वजह से क्या हुआ? के पास ये इसमें change आया, update हुई, फिर next cost आपके पास next theta not theta one की value आई उसपे ये curve बना के ये curve ये आहिस्ता से curve करीब आते जा रहे हैं देख रहे हैं आप लेकिन क्या होता है कि अगर आप इसको फिर थोड़ा हमें क्या इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें थोड़ा लर्निंग रेट इज वेरी स्लो तो हमें क्या करना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा फिर हमने थोड़ा सा बढ़ाया 0.1 किया तो हमने देखा यहाँ से पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और ऐसा ऐसा छोटे छोटे स्टेप्स पहुंच गया ठीक है। अब हम कहते हैं चलो देखते हैं इसको इससे भी बढ़ा के देखते हैं कि क्या हो रहा है तो हम इधर थे तो कभी इधर जा रहे हैं फिर वापस इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर इस तरह कुछ हो रहा है नीचे में नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो इससे हमें नुकसान ये हुआ कि वो क-
कन्वर्ज ही नहीं हो पा रहे हैं, हम कहीं तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके पास जस्ट वो ग्राफिकली चीजों को देखना कि कैसे होता है। सो इफ वी लुक एट दिस, अच्छा इसको बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्यों कहते हैं, एनी आइडिया? बैच, बैच का क्या मतलब है? हाँ, कौन से बैचेस होंगे? सही नहीं, बैच वो तो गैप है ना। बैच क्या होता है? इस बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? सो वी ऐसा की वैल्यू तो बैच नहीं, तो ये जो मेरे पास स्लोप्स आ रही हैं, नहीं ये भी है, मुझे नहीं, क्योंकि आप मैं जो कहता हूँ कि इस बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं स्लोप्स की बात करता हूँ। तो ये कंप्लीट जो होगा ये बैच होगा, तो इसको कहते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट बिकॉज आई लूज ऑल द वैल्यूज। कैसे मैं तो ये होगा मेरे पास थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स माइनस ये इधर वन में लगा देता हूँ, ठीक है, वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है जी। फिर प्लस थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स टू माइनस वाई टू, ये ठीक है ना, होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, कितने हैं मेरे पास आखिरी सैंपल सारे मैंने लगा दिए, थीटा नॉट प्लस थीटा वन, हाँ ये हो गया m आखिरी m, ठीक है ना, टोटल m है, ठीक है, हम ये m xm सॉरी xm माइनस ym होल स्क्वायर और इधर खत्म। तो क्या हो रहा है, पूरा बैच यूज हो रहा है, सारी वैल्यूज यूज हो रही है ना। नहीं नहीं नहीं, कौन से ये या आप यहाँ पे यूज हो गई ना, आप ये नहीं 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 बीच वाली की बात है, बीच वाली इसमें क्या आपके बीच में जो ऊपर लेकिन जो ऊपर डॉट्स है ये तो यूज नहीं हो रहा, नहीं हम सबको यूज करके ये बना है, ये लाइन बनी है ना, ये लाइन किस तरह बनी, ये लाइन इस तरह, वो जो लाइन हमने बात की ना, ये लाइन तो बनती ही आपके पास इस इक्वेशन पे ना, एच इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स पे बनती है, इस पे बनती है ना। अब ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू, ये x लो और इस अगर ये स्लोप बनी है, ठीक है ना, तो सब की वैल्यू x की इसकी बेस इन सब की बेस पे बनी है, ये स्लोप बनती है, हमने देखा था ऐसे बनी, तो ये तो स्लोप तो सबको, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें कॉस्ट फंक्शन चाहिए ना, इस लाइन की कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी कम 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 होती जा रही होगी, ठीक है, और कॉस्ट वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू निकलती किस तरह है, वो निकलती है पूरे बैच की वैल्यू को यूज करके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैच ग्रेडियंट डिसेंट बिकॉज़ वी आर यूजिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स दैट वी हैव, ठीक है जी। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट, आई होप कि नाउ इट इज क्लियर कि ये होता क्या है। अब बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आप देखें कि हमारे पास इनिशियली दीज आर द डेटा सेट्स, दे रेड रेड जो आपको नजर आ रहे हैं, एंड दिस लाइन द ब्लू वन, एंड ही वाज समवेयर हियर। With time, आपके पास आप देख रहे हैं लर्निंग रेट आपने लगाया जो भी है, और आपने क्या किया, मॉडिफाई कर रहे हैं स्लोप को, थीटा की वैल्यूज नहीं अपडेट होके आ रही हैं, पहले ये थी अब अपडेट होके ये स्लोप बनी, आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ठीक है जी। फिर अपडेट होके स्लोप ये आ गई, थीटा नॉट जब अपडेट हुआ, थीटा वन अपडेट हुआ, तो स्लोप अब ये लाइन आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आप करीब होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली if you look at it here so you have reached the, ठीक है जी, आगे देखिए, so if you look at it here,
So here we have in batch gradient descent with and without. अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि features के लिए क्या होता है, ठीक है? लेकिन for time being ये समझ लें कि अगर features scaling ना हो तो gradient descent कुछ इस तरह भी देख सकता है, ये जो आपको बता रहा है। और ये हमारे पास वो cost function कुछ भी देख सकता है, ये जो आपको goal नजर आ रहा है। So ये जो अगर आपके पास features scaling ना हो तो ये थोड़ा सा इस तरह डी शेप हो सकता है, बिल्कुल राउंड नहीं हो सकता जिस तरह हम यहाँ पर। और हमारा वो ये होगा कि इस तरह हो तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज इसमें पता इशू क्या है, क्योंकि एक cos function बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट एंड थीटा वन या थीटा वन या थीटा टू, जो भी आप कहना चाहें, दो पैरामीटर्स की बेस पे cos function बन रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम थीटा नॉट की वैल्यू है ना उसमें थीटा नॉट की वैल्यू है थीटा वन की वैल्यू, थीटा वन की वैल्यू को जरा सा इसके साथ अगर हम कहते हैं ना, अगर ये समझ लें कि दिस इज थीटा नॉट एंड दैट इज थीटा वन, या इसको थीटा वन एंड थीटा नॉट कहते हैं, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, लेट्स सी समथिंग लाइक दिस, एंड फॉर लेट्स अज्यूम कि दिस इज थीटा नॉट एंड दैट इज थीटा वन, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर मैं थोड़ा सा बीच में ना थीटा ये वाला जो भी थीटा, अगर मैं इधर से थोड़ा सा भी मूव करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास बहुत ज्यादा चेंज आता है कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि ये थोड़ा इस तरह स्ट्रेच है, ठीक है? जरा इसको देखिए, इसको समझाने की कोशिश कर, मार्क कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज थीटा नॉट एंड दिस इज थीटा वन, और ये कॉस्ट फंक्शन है, जस्ट इमेजिन कि ये कुछ यू शक्ल का, ठीक है जी। अच्छा, मिनिमाइज दिस वन, ठीक है जी। अभी अगर मैं इधर से थीटा नॉट को चेंज करता हूँ, मेरे पास विद इन दिस बाउंड्री रहेगा ना थीटा नॉट, अगर मैं, लेकिन अगर इधर मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ, तो इसमें कॉस्ट में पहले मैं इधर से आप डायरेक्ट इधर आ, बहुत ज्यादा चेंज आया है, तो आपके पास वो फीचर स्केलिंग, वो हम आगे चले देख लेंगे, इट्स नॉट राइट टाइम के बताऊं कि क्या होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जरा देखते हैं, आपने पढ़ लिया बैच ग्रेडियंट डिसेंट, क्यों उसको बैच कहते हैं वो भी आपने देख लिया, ग्रेडियंट डिसेंट आपने पहले पढ़ा कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, उसके बाद बैच पे आए, और उसमें आपने देखा कि आपके पास जो इक्वेशन थी वो भी आपने देख ली कि कैसे वो काम करता है, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है, लर्निंग रेट। अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, थोड़ा सा इसको जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट आपने पढ़ा उसकी एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ पाइथन कोड के जरिए, कि थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ क्लियर हो जाए कि वो होती किस तरह है। I'll upload it on Google Classroom के कोड आपके पास हो। एक नजर इसको देख लेते हैं कि इधर हो क्या रहा है, कि आपको ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट की थोड़ी सी जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा जी, जरा इसको देखें, ये जो अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे ये लाइंस, ठीक है जी, तो इस लाइंस में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वो देखें कि एक्स जो है इनपुट, वाई इज माय आउटपुट, इनपुट फॉर टाइमिंग जस्ट इग्नोर द वन हियर, 15 जब एक्स की वैल्यू थी आउटपुट था वाई, वाई का वन, 28 ठीक है, 20 है, 20 पे 3 मगर मैं इस तरह करूं एक्स वाई, ठीक है सर, 25 पे 4, 28 पे 6, 8 और फिर हमने क्या किया, इनिशियली हमने 0 0 लिया थीटा की वैल्यू, मींस के पैरामीटर हमने इनिशियली 0 0 लिए, अल्फा इज द लर्निंग रेट वो मैंने लिया 0.0008, ठीक है, और फिर इसको हमने क्या किया, इसमें कुछ चीजें यूज हुई हैं
जैसे कि इसमें लाइब्रेरीज को आप देख लें तो numpy यूज हुआ है, numpy जो है वो लाइब्रेरी आपके पास तो बड़ी अच्छी एक लाइब्रेरी है जो आपके पास मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन है वो करके देती है, जैसे मीन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, बड़ा आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो वो हमें डॉट प्रोडक्ट का वो हो रहा है ना, ये हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना, कि जो ये हमने बात की किधर गया, जैसे ये है, ठीक है ना, कि हमें पहले ये वाले चाहिए, फिर ये वाले चाहिए। अभी हम इसको ऑब्वियसली इसको तो ऐसे सॉल्व नहीं करते, इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं, वो हम सॉल्व करने का तरीके बाद में देख लेंगे, लेकिन जिसको टाइम इधर हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। क्यों डॉट प्रोडक्ट, वैसे ही करो, अगर आपकी जहन में वो है कि डॉट प्रोडक्ट की सर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट क्यों चाहिए होता है। देखे जरा, इक्वेशन को देते हैं हाइपोथेसिस की, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, इसको मैं वेक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं या मैट्रिसेस की फॉर्म में, मुझे ये इक्वेशन चाहिए हो कंप्यूटर को मैं कैसे समझाऊंगा, तो मुझे अगर ये करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मैं कर दूं कि एक मैं वेक्टर ले लूं जिसमें हो थीटा नॉट थीटा वन, ठीक है जी, और दूसरा मेरे पास मैं कहता हूं कि एक इनपुट है एक्स, उसमें मेरे पास है सिर्फ एक्स, और इसके रिलेटेड मेरे पास है वाई जिसमें सिर्फ वाई की वैल्यू, अगर मैं डेटा सेट को अपना देखूं। अब नाउ द इशू इज कि दिस हाउ कैन आई मेक दिस इक्वेशन आउट ऑफ इट, तो मुझे जो है अगर इसको मैं जरा देखूं इस इक्वेशन, अगर मेरे पास होगा थीटा नॉट थीटा वन और मेरे पास अगर होगा वन और एक्स, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं किस कोई तरीका इस तरह ढूंढ लूं कि थीटा नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो थीटा नॉट हो जाएगा, फिर प्लस का साइन आ जाए और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो मैं अपने इस इक्वेशन पर आ जाऊंगा। अब इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है जी, तो मैं अगर कह दूं कि मेरे पास इस वाले का मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे आपस में, क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज दिस इज वन रो टू कॉलम्स, दिस इज हाउ मच, हाँ वन रोज टू कॉलम, अब ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, और मुझे इसको इक्वल करने के लिए अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, इफ आई मेक दिस टी तो दिस विल बिकम थीटा नॉट, दिस विल इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, और इस ये वाला किस तरह दिखेगा, वन अपनी इस तरह, ठीक है जी। अब अगर मैं देखूं दिस इज टू क्रॉस वन एंड दिस इज वन क्रॉस टू, नाउ देयर डॉट प्रोडक्ट इज वैलिड, ठीक है जी। अब इसको अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तरीका ये होता है कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, लीनियर अलजेब्रा यही कहता है ना, ठीक है, तो हमारे पास इससे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं एक बहुत खूबसूरत फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं कहता हूं कि h ऑफ थीटा ऑफ x इज इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज x। अब थीटा ट्रांसपोज क्या है, थीटा में ये वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है, दिस इज माय दिस मैट्रिक्स 1, x, ठीक है जी। तो इसलिए आपको जो x के साथ इधर नजर आ रही है ना ये 1, 1, 1, 1 जो लिखा गया है, तो ये इसलिए लिखा गया है कि 1x, 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 1x हर एक डेटा सेट के साथ, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। अच्छा नेक्स्ट अब क्या है कि हम जरा इसको देखते हैं कि इसको इधर सॉल्व किया गया है उसी तरह जो अभी हम देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस ये देखते हैं अल्फा स्टैटिक ग्रेडिएंट नजर आ रहा है, ग्रेडियंट हमने फाइंड किया है जो हमने तरीका पढ़ा, एरर फाइंड किया एच माइनस वाई की है, अभी हमने देखा ना एच माइनस वाई हमने लिया, ठीक है जी, क्योंकि हमें कॉस्ट फंक्शन के लिए चाहिए एच माइनस वाई, फिर हमने क्या किया उस एच माइनस वाई का फिर हमने क्या करना होता है कि उससे हमने ग्रेडियंट निकालना होता है, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है एरर के साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करें, फिर हमने क्या किया जब ये किया फिर हमने अल्फा इन स्टैटिक ग्रेडियंट कर दिया और डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, उसका सम लिया, सम को डिवाइडेड 2m किया, वही कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने किया, और फिर हमने क्या किया कि इसको
इसको अगर हम मैं रन करता हूं थोड़ा सा देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, इसने मुझे दो प्लॉट्स दे दिए, ये कॉस्ट फंक्शन का है और ये जो है हमारे प्लॉट का, और उसके बाद हमने हाइपोथेसिस जो हमारी बनी उसको भी प्लॉट कर दिया कि जरा देखें कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, सो दीज आर आवर सैंपल्स, ये जो प्लॉट्स नजर आ रहे हैं एंड दिस इज द हाइपोथेसिस दैट वी हैव मेड एंड दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन एकदम यहां से यहां जंप मार दिया, फिर काम होता कि होता गया तकरीबन एंड पे कुछ सीधा। इसमें हमने काम किया हुआ है, अच्छा मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है कि कॉस्ट फंक्शन last cost function minus the previous one, aap dekhe if the change is negligible, very very small, then you stop there, ek ye tarika. Dusra ye ki aap apne computer ko pehle se hi bata do ki bhai aapne 50,000 iterations karne hain aur uske baad jo bhi theta ki values hongi, that's my final value. Theek hai, idhar humne ye kaam kiya hua hai ki we have told the system ke you should do number of iterations honi chahiye 10,000 bar आप जरा इटरेट करो और उसके बाद जो थीटा नॉट की और थीटा वन की वैल्यू है वो स्लोप ही मेरा स्लोप है। ठीक है, सो इसमें हमने ये किया है और एंड में हमने पांडास की लाइब्रेरीज यूज की है, इंपोर्ट पांडास पीडी। तो अगर आपको ये शायद इसकी जरूरत बाद में पड़े कि हमने जो भी हमारे आंसर्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो एक CSV फाइल उसकी बने और वहां पे वैल्यूज आती जाए। ठीक है, सो वो हमने किया हुआ है। इसमें जो अभी हमने किया है तो इसमें हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो ये है थीटास फाउंड बाय ग्रेडिएंट डिसेंट माइनस थीटा नॉट जो है माइनस 0.2.4 है और जो थीटा वन है दैट इज 0.36, इसकी बेस पे ये लाइन बन रही है। अब अगर मैं जरा इसको देखूं उस पे जो हमने हमने कहा कि CSV फाइल बने। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इधर से कुछ चीजें हमें क्लियर होंगी बड़ी अच्छी जो अभी आपने पढ़ा दी है। वो ये है कि वो ये है इफ यू लुक एट इट हियर, थीटा नॉट की वैल्यूज को देखें और कॉस्ट को देखें, कॉस्ट वी डोंट केयर अबाउट थीटा नॉट थीटा वन। ठीक है जी, कॉस्ट की वैल्यू देखें, पहले 24 था, फिर कितना हो गया 8.4, बड़ा जंप है। 8.4 के बाद में 4.2, इससे कम जंप है, ये जंप ज्यादा है, 8 का है, ये 4 है, उससे कम 4 से 3, 3 से 2, 2.8, 2.7 एंड सो ऑन। फिर इधर आगे जो है ये हो जाता है, अब आगे अगर हम देखें इसको तो 2.7, फिर आगे जाके 2.6 अभी हो गया है। ठीक है जी, एंड सो ऑन, अभी आगे जाके 2.5 हो जाएगा और आखिरी जो हमें मिला वैल्यू 10,000 पे, आखिरी 10,000 सैंपल पे देख लेते हैं, 10,000 1.94 तक बात पहुंच गई है, हमने स्टार्ट किया 24 से। तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें देखें जंप बड़ा निग्लिजिबल हो गया है, 1.9473 1.9472। और इसमें जो है आपके पास जो अगर इसकी हम फर्दर एनालिसिस करें, फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू, आई चेंज द नंबर ऑफ द अल्फा फ्रॉम 0.008। पहले आप इसकी बेस पे ये तस्वीर देख लें कि आपको ये फिगर याद रहे। ठीक है जी, कॉस्ट को भी देख लें और इसको इसको हाइपोथेसिस की लाइन को देख लें। ठीक है जी, अगर मैं थोड़ा सा इसको ये करता हूँ कि इसको मैं 0.008 से 0.00 बढ़ाता हूँ इसको, ठीक है जी, तो या कम करता हूँ और भी 0.003 फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, और भी कम कर दिया, अब क्या होगा कि हम कहते हैं कि ये कन्वर्ज हो ही नहीं पाएगा, मतलब रुक जाएगा इन द एंड। ठीक है जी, कुछ देख रहे हैं लर्निंग रेट, उसको पहले इसको कैसे था, ये इस लाइन यहाँ थी, अब ये पहुंच ही नहीं पाया, 10,000 आइटरेशंस भी से नहीं पहुंचा पाया यहाँ पे, बिकॉज़ द लर्निंग रेट इज वेरी स्लो। हमने बात की ना कि लर्निंग रेट स्लो होने के क्या नुकसान होते हैं, तो उसके ये नुकसान आते हुए पहुंचा ही नहीं पाया। अब हम कहते हैं कि व्हेन द लर्निंग रेट इज वेरी हाई तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, हम कहते हैं कि इफ आई मेक इट लाइक दिस, ठीक है जी, लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। ठीक है जी, ये मुझे कह रहा है कि
वो हो ही नहीं पा रहा है। अब देखें कॉस्ट फंक्शन को क्या होना चाहिए था? कि वो इन कॉस्ट फंक्शन की एट्रीब्यूट्स ही हैं जो कम हो, इधर कम नहीं हुई डाइवर्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास इशू आया इसका, और इधर हाइपोथेसिस पे हम पहुंच ही नहीं पाए, पता नहीं कहाँ पे है इस टाइम, हमें नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, और ऑप्टिमम देख लें जो सबसे अच्छा था वो देख लें एक बार फिर कि आपको याद आ जाए, ठीक है। दिस वॉज सपोजिटली द बेस्ट वन दैट इट कुड प्रोड्यूस, ठीक है जी। आई थिंक वी शुड एंड हेयर, और अगली क्लास से हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को देख लेंगे, और उसके बाद हम रिलेटेड जो और हैं उसको देख लेंगे।